दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप ऑनलाइन मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना के लिए, यानी कि 60 साल जिसकी उम्र हो गई है उसको उसके पेंशन के लिए अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, उसके बाद आप पेंशन ले सकते हैं किस तरह। तो चलिए आज की इस वीडियो में शुरू करते हैं। हमेशा की तरह आपसे भी आज भी गुजारिश करते हैं, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, सबसे पहले आप लाभ उठा पाए। एक बात और, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए समय ना गंवाते हुए सीधे मेन टॉपिक पे जाते हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिहार की इस वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट जो ssp.mis.in, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह सेंटर पेज दिखने को मिलेगा। सबसे पहला आपको सामने जो दिख रहा है यहाँ पे देख लीजिए, मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। ये ऑप्शन आपको होम पेज पे मिल जाएगा। चलिए सिंपली से इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर आएंगे यहाँ पे कुछ छोटा सा फॉर्म आपके सामने मिलेगा। तो ये फॉर्म सबसे पहले इसमें आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी जिले के आप है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा, जो भी ब्लॉक आपका है यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ से आपको योजना स्कीम सेलेक्ट करना होगा, किस योजना, यहाँ पे आपको मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर करें, जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं वृद्धाजन पेंशन योजना के लिए उसका यहाँ पे आधार नंबर इंटर कर दीजिए। उसके बाद उसका नेम यहाँ पे आपको जो आधार कार्ड में नेम वही नेम आपको सेम देना है। अगर आपको कोई भी स्पेलिंग अगर डिफरेंस होता है तो ये आपका सबमिट नहीं होगा, इसलिए आप सेम नाम दें। उसके बाद जो आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ वही डेट ऑफ बर्थ आप इसमें इंटर करें। जब तक आपका आधार कार्ड में दिया हुआ नाम डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करेगा तब तक आपका ये एप्लीकेशन फाइनली सबमिट नहीं होगा। तो आपको ये डिटेल भरना आधार कार्ड के मुताबिक, तो ये सारा चीज़ आपको फिलअप कर लेना है। उसके स्कोर डाउन करेंगे यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। जब आप ये सारा चीज़ भर लेंगे तो आपको वैलिडिटी, चलिए मैं फटाफट पहले इसको फिलअप कर लेता हूँ। तो सिंपली से आपको ये सब डिटेल फिलअप करना है। जैसे आप इस डिटेल को फिलअप करेंगे तो आपको वैलिडेट आधार सत्यापन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके आपको ये जो नाम है और आपका डेट ऑफ बर्थ मैच करवा लेना। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए लोडिंग ले रहा है। जब भी आपका आधार कार्ड पे वैलिडेट हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेगा योर आधार हैज बीन वेरीफाई। होने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक कर, चलिए प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आपको जिसका अप्लाई करें उसका पिता या फादर का नाम यहाँ देना है, उसका मदर का नाम आपको इस बॉक्स में देना है, और आयु ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है मेल या फीमेल। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है किस जाति के है, ST ST जनरल। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है। जिस बॉक्स में स्टार लगा हुआ उस बॉक्स को आपको फिलअप करना अनिवार्य है। जब तक आप स्टार वाले बॉक्स को फिलअप नहीं करेंगे तो आप फाइनली सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद नीचे आ जाना, नीचे में आपको पूरा अपना एड्रेस दे देना है, रूरल अर्बन, उसके बाद पंचायत, गांव, एड्रेस, मोहल्ला, पिन कोड, ये सारा चीज आपको भर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट, यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट देना है, किस बैंक अकाउंट में आप पेंशन लेना चाहते हैं, उसका ब्रांच, उसका खाता नंबर, उसका IFSC कोड, और जो यहाँ पे आपको नाम इंटर करना है जो नाम आपके बैंक अकाउंट में ही है। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक डिटेल देना है। याद रखिए बैंक जो अकाउंट देते हैं दे रहे हैं वो आपका अकाउंट जो बिहार के ही स्टेट के होने चाहिए, यानी कि कोई निवासी बिहार के हैं तो वो दिल्ली में अकाउंट खुला लिए हैं तो वो उस अकाउंट को प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो अकाउंट बिहार में खुला, बिहार के अकाउंट, बिहार के बैंक में, वही अकाउंट आपको यहाँ से दिया हुआ है बिहार से जुड़ी राज्य के कित बैंक एवं शाखा का प्रयोग करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिहार के अकाउंट है वही देना है, दिल्ली वगैरह के नहीं देना है कहीं के भी, ओनली बिहार। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड है वो अपलोड करना है जो PDF में होगा और 200 KB उसकी साइज होगी। अगर आप PDF की साइज कम करना या नहीं जानते हैं तो किस तरह आप साइज कम कर पाएंगे उसके बारे में मैंने वीडियो पहले बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। उसके बाद जो अकाउंट आपने दिया उसका बैंक पासबुक देना है, उसकी भी 200 KB रहेगी। और यहाँ पे बैंक
कॉन्सेंट डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये फॉर्म मिल जाएगा, ये फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे अपने ब्रांच का नाम, उसके बाद बैंक का नाम और अपना खाता नंबर दे के यहाँ जा, और इसको ले जाकर अपने बैंक में जाके मैनेजर से वेरीफाई करा लेना है। उसके बाद उसको स्कैन करके आपको यहाँ पर आधार कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंट में अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक सिंगल फोटो अपलोड करना है जो कि 30 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तीसरा चीज़, आपको तीन डॉक्यूमेंट, एक आधार कार्ड, एक बैंक पासबुक, एक जो फॉर्म दिया वो फॉर्म, एक फोटो, चार आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे टिक लगाना है, आई एग्री पे टिक लगाने को सबमिट करना है। तो चलिए मैं आगे फिलअप करके बताता हूँ। तो चलिए टिक मार कर लगाएंगे, यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए ओके पे क्लिक करना है, फाइनली सबमिट यहाँ पे देख लीजिए। प्लीज वेट कर रहा है तो प्लीज वेट, थोड़ी वेट कर लेंगे। यहाँ पे रिव्यू करने बोला आपका एप्लीकेशन जो बड़ा, इसको पूरा मिलान कर लेना है, चेक कर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद आपको फाइनली सबमिट या एडिट, अगर एडिट करना है एडिट कर सकते हैं, तो फाइनली सबमिट पे क्लिक करेंगे, फिर से ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको रिसिप्ट मिल जाएगा, यहाँ डायरेक्ट प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका रिसिप्ट जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा रिसिप्ट जो है डाउनलोड हो चुका। अप्लाई हो गया है, जैसे ही आपके पंचायत से एप्लीकेशन वेरीफाई होगा, आपके द्वारा भरा गया जानकारी सारा चीज सही है, अगर आप इस योजना की लायक हैं तो आपको ये पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपके पंचायत को भेज दिया गया है वेरीफिकेशन के लिए, जब आपका सही पाया जाता है उसके बाद आपका पेंशन आना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।